ओके सो फाइनली ये है हमारे पास IQOO Z6 Pro जिसका ये पूरा बॉक्स और यहाँ पे मैंने कुछ ही दिनों पहले इसको लिया है और इसका अनबॉक्सिंग और सब कुछ आपको मैंने दिखाया था। लेकिन अभी हम बात करने वाले इस वीडियो में नथिंग फोन के बारे में। वैसे ये नथिंग फोन के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है जो कि आप देख सकते सिंपली, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले कि नथिंग क्या चीज़ है और कैसे चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाला है। बिना वक्त के देर के चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे पास पहली बार आए तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करो और हमें आगे जाना है तो आगे बढ़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसके स्टार्ट करते हैं कि भाई नथिंग इसका नाम क्यों पड़ा है। ऐसे नथिंग का कारण हम जब पहली बार नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई नथिंग इसका मतलब है कुछ नहीं जैसे गाइस, लेकिन ये जो नथिंग है उसका थोड़ा उल्टा होता है। यानी कि जो नथिंग फोन के हमारे काल भैया है यानी कि जो वन प्लस का आपने नाम सुना ही होगा, तो वन प्लस के दो ओनर थे मेनली और उनमें से एक ओनर उनसे थोड़ा अलग पड़ गया और अपनी नई कंपनी यानी कि नथिंग को उन्होंने लॉन्च किया है। वैसे इस नथिंग में से एक ईयरफोन जो हमारे आती है ना कान में भराने वाले वैसे ईयरबड्स उसको बोला जाता है, तो उन्होंने वैसे लॉन्च किए थे 5,500 की प्राइस में और जो कि वहाँ पे स्टैंड भी किया और अच्छा की रिव्यू भी मिली। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया कि हम स्मार्टफोन जो कंपनीज है यानी कि स्मार्टफोन ब्रांड में हम जाएंगे और यहाँ पे उन्होंने लॉन्च कर दिया यानी कि उन्होंने बिल्डअप कर दिया नथिंग फोन वन को। अब ये जो नथिंग फोन वन है बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पसंद और अट्रैक्टिव जो चीज़ लगी है वो उसका डिज़ाइन था। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम बात करें कि जो अभी पिछले 2-3 साल है यहाँ पे कुछ भी नया इनोवेशन फ़ोन की डिज़ाइन में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और नया तगड़ा किया जाए। वैसे जो लाइटिंग है वो तो बहुत सारे फ़ोन हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस तरह की लाइट इसे भी प्रोवाइड हमें नहीं करता है, या कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। और यहाँ पे आपको सिंपली जो वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो पूरी LEDs है वो आप वैसे मैं आपको बता दूँ आपके नॉलेज के लिए कि पूरे 900 यानी कि 900 LEDs लगाई गई है छोटी छोटी जहाँ पे आपको एक नया लुक देगी। अगर आप कहीं पे भी इस फोन को लेकर खड़े हैं और यहाँ पे ये जो लाइट अगर नोटिफिकेशन या फिर फोन आने के बाद लगती है लाइट चालू होती है तो बहुत ही ज़्यादा आपको एक स्टैंड अलग स्टैंड कर पाएगी। यस गाइस, और ये जो फ़ोन है वो अराउंड वैसे मैं आपको प्राइस क्यों पहले बता दे रहा हूँ पता है, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट बनी रहे क्योंकि इसकी जो प्राइस होने वाली है वो होने वाली है under 13,000। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि जो वन प्लस करता है वो फ्लैगशिप लेवल पे करता है, लेकिन ये जो प्राइस है वो मिड रेंज के जो फ्लैगशिप फ़ोन आते हैं ना वहाँ पे उन्होंने स्टैंड करने की एक तय की कोशिश की है। तो यस गाइस, ये फ़ोन होने वाला है 13,000 जो कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में होता है, लेकिन हमारे इंडिया में कितने प्राइस में आता है वो तो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। वैसे अगर इस प्राइस में आ गए तो धूम मचाने वाला है। यस गाइस, तो सभी बोल रहे धूम मचाने धूम। वैसे ये तो बात हुई इसकी जो प्राइस है, लेकिन अगर मैं आपको इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो वैसे पहले जो आया था ना एक लीक आई थी तो बताया जा रहा था कि उसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 जो कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है उसको यूज़ करने वाले, लेकिन वहाँ पे हमारे जो कालपी भैया यानी कि नथिंग के ओनर उन्होंने साफ बता दिया कि हम इसमें यूज़ करने वाले क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G+। यस गाइस, अब ये जो प्रोसेसर है वो बहुत कैपेबल तो है, लेकिन उसके साथ ये है ना बैटरी एफिशिएंट है। अगर पीछे आप LED लगा दे तो आपको बैटरी में भी कमी तो देखने को मिलेगी। ऐसे अगर मैं बैटरी को आपको बताऊँ तो उसमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली, इसके साथ 45W का आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको पीछे अगर एक रिंग देखे तो ये है ना वो वायरलेसली आपके जो ईयरबड्स है या फिर किसी भी चीज़ को 5W के सपोर्ट के साथ चार्ज कर सकते हैं। यस गाइस, लेकिन 4500 mAh थोड़ी कम बैटरी, लेकिन देखते कि नथिंग OS कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन के साथ आता है। यस गाइस, बातों में मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें नथिंग OS आने वाले हैं। अब जो नथिंग OS है आपको पता ही होगा कि वन प्लस का क्यों ज़्यादा इतनी ज़्यादा मार्केटिंग थी, क्योंकि उसमें वो आ रहा था ऑक्सीजन OS। बट अभी जो ऑक्सीजन OS और ओप्पो के साथ मर्ज हुआ है तो इसके साथ उसका पूरा जो स्टैंड था जहाँ पे वो खड़ा हो पा रहा था वो उसका पूरा ही टूट गया है। यस गाइस, जो लोगों का ट्रस्ट था वन प्लस की ओर से वो ऑक्सीजन OS के साथ ही ख़त्म हो गया है, इसलिए वो बिल्डअप कर रहे हैं नथिंग OS जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ पर होने वाले हैं। वैसे ये तो मैंने कुछ आपको बताया जो बाहरी था। वैसे अगर मैं आपको उस कैमरा की बात करूँ कि बैक पैनल पे आपको कैमरा देखने को मिलने वाले वो है 50 MP का सोनी का सेंसर। अब कौन सा सेंसर है वो तो पता नहीं है, लेकिन सेंसर है इसके बाद सोनी का। यस गाइस, इसके बाद अगर वो दूसरा जो कैमरा है वो 60 MP का वाइड लेंस देखने को मिलेगा। अगर फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 16 ही देखने को मिलने वाला है। थोड़ा बढ़ा दी तो अच्छी बात है, लेकिन देखते हुए उसका कितना ऑप्टिमाइजेशन रहता है। और ये तो हुई कैमरा की बात, अगर डिस्प्ले भी कोई भी चीज़ अभी डिस्प्ले की अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन अगर इसमें मैं आपको बात करूँ तो इसमें साउंड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है। और
इसमें एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगी कि इसमें चार्जर को हटाया जा रहा है। सो ये जो एप्पल की यानी कि एप्पल की जो रेस चल रही थी चार्जर हटाने की, इसमें भी नथिंग भी शामिल हो गया है। अब इसमें आपको चार्जिंग नहीं देखने का मिलेगा, आपको ज्यादा बाहर से आपको बाय करना पड़ेगा। और ये जो ब्रांड है नथिंग, वो एक नया ब्रांड है। वैसे आप जो भी कहो, वैसे इसकी बहुत ज्यादा हाइप तो है, लेकिन ये जो है ब्रांड है वो नया है, इसलिए इसको एस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन उसके पहले अगर ये कंपनी थोड़ी ऑफर्स और वो सब ज्यादा देती है तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।